हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, धनतेरस पर इस दिशा में मुंह करके करे पूजा, इन उपाय से प्रसन्न होगी माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर इस दिशा में मुंह करके पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन जरूर होगा। तो दोस्तों, इस साल धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर दिन शनिवार को है। धनतेरस के अवसर पर वास्तु से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होती है, जो आपके घर की सुख और शांति के लिए जरूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस साल धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया, मकान, वाहन आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में शाम के समय माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और भगवान कुबेर जी की पूजा। तो दोस्तों, धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में शाम के समय माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य का आगमन होता है, दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के अवसर पर वास्तु से संबंधित कुछ उपाय को करने की जरूरत होती है, जो आपके घर की सुख और शांति के लिए जरूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से धनतेरस के दिन महालक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होगा। तो दोस्तों, यह जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं उपाय से। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी और गणेश जी और धन के देवता कुबेर का स्वागत के लिए घर के और आसपास की अच्छे से साफ सफाई कर ले, घर में पेंटिंग करा ले ताकि घर साफ और सुंदर लगे। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, माता लक्ष्मी की वास भी ऐसे स्थान पर होता है। तो दोस्तों, अवश्य करना। दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक के निशान बनाए, स्वस्तिक चिन्हों को शुभ माना जाता है। इससे घर में शुभता और सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरने चिन्हों का, जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी के पैरों के निशान अवश्य लगाए, ये बाहर से घर के अंदर आते हुए होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दारिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है। तो दोस्तों, अवश्य लगाए। घर और पूजा घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाकर सजाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आम और अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। आम और अशोक के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो दोस्तों, घर के दीवार पर ये पत्ते अवश्य लगाए। दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम के समय जब आप पूजा करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति नहीं है तो अवश्य खरीदें। दोस्तों, इसकी विधि विधान से पूजा करें, फिर देखिए दोस्तों, महालक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में अवश्य होगा। दोस्तों, पूजा के लिए जो भी मूर्ति रखे वो खंडित नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित है, ये अवश्य ध्यान रखें। धनतेरस पर पूजा करते समय आपको, जी हाँ दोस्तों, आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये दोनों ही दिशा शुभ होती है और सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाने वाली मानी जाती है। धनतेरस के अवसर पर आप देवी देवता के स्वागत के लिए रंगोली बनाए, उसमें लाल, पीले, हरे रंगों का इस्तेमाल अवश्य करें। जी हाँ, काले रंग का उपयोग ना करें, लाल, पीले और हरे रंग शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप लक्ष्मी जी और गणेश जी और कुबेर जी का स्वागत करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य बनी रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, धनतेरस के अवसर पर ये उपाय अवश्य करें। जी हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।